हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में कल की डेट में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए थे। अगर बात करें 9-10 कंपनी के रिजल्ट थे, बट हम 8 ऐसी कंपनी चुनी है जिनके रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे। और अगर आप सोच रहे होंगे कि कल रिजल्ट आए थे, आज क्यों बना रहा हूँ, तो देखिए जो रिजल्ट में होना होता है, ओके, रिजल्ट तो फिर भी मोस्टली मार्केट बंद होने के बाद ही आता है। और मार्केट बंद होने के बाद आता है तो आप अगर अच्छे रिजल्ट आते भी है और वो जंप ऑलरेडी वो जब ओपन होता है अच्छे अच्छे रिजल्ट की कंपनी, तो वो ऑलरेडी 5% 10% अप ही ऊपर होता है। और आई डोंट थिंक सो कि ऐसे में उस शेयर को खरीदना चाहिए। बट कंपनी को रिजल्ट एक बार एनालाइज करने के बाद, जब भी कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ऊपर ही बढ़ती रहेगी, ये भी होगा कि एक डिप भी आएगा, एक डिप मिलेगा, तब एट द टाइम वी विल एज अ इन्वेस्टर वी विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और फिर उसका लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करते हैं, रिजल्ट इसलिए ही देखे जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम एक एज अ ट्रेडिंग पर्पज आज के दिन में 10% का गेन ले लिया या फिर 5% का गेन ले लिया, इसके लिए पर्पज से नहीं, लॉन्ग टर्म में कि हम उसका 100% और 150% तक के उसके रिटर्न का ले सके, तो इसके लिए हम रिजल्ट देखते हैं। तो आइए उनसे इससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि उन्हें भी इन वीडियो का फायदा मिल सके। अगर बात करें, अभी एक वीडियो डाली है, एक कंपनी है जिसके रिजल्ट तो अनाउंस हुए ही हुए हैं, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर 275 रुपीज़ का डिविडेंड प्लस स्पेशल डिविडेंड दोनों इंक्लूड करके मिला है। डेट फ्री कंपनी है, 7 टाइम कंपनी ने बोनस भी दिया है, तो उस कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो उस चीज़ को जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश पाइप लिमिटेड, कुछ दिन पहले रिजल्ट आए थे प्रिंस पाइप के, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए थे, ओके, और उस कंपनी को तो मैं 3-4 महीने से रडार पे रखा हुआ हूँ, और उस कंपनी में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से खेल सकते हैं। तो ऐसे ही प्रकाश पाइप के रिलेटेड बातें कर लेते हो। अगर देखते हैं यहाँ पर डिविडेंड, कंपनी ने 1.20 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। एज वेल एज अगर रिजल्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर Q4 के, Q3 के, Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं, 13,600 लैक्स रुपीज़ से पहले 12,752, इससे पहले 8,783, तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी उसी हिसाब से होते हुए नजर आए हैं, 12,137, इससे पहले 11,414, इससे पहले 8,134, तो खर्चा भी बढ़ते हुए ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ ज़्यादा नजर आए हैं, सॉरी। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी नेट प्रॉफिट की सीधे बात कर लेते हैं, तो 1,017 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 920, अगर इससे पहले बात करें 415 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिखाया है, तो कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। एक बार इस कंपनी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, देखेंगे फंडामेंटल, और फिर उसके बाद हम आगे का डिसीजन लेंगे कि कंपनी में हमें कब इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट नहीं करना है। या आप EPS भी देख सकते हैं, EPS से आपको आइडिया आ जाएगा, 4.53 रुपये का EPS है, 4.50 रुपये का लास्ट टाइम था, और 2.03 रुपये का EPS यहाँ पर एक साल पहले था। तो क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर 2 गुने तक की जंप यहाँ पर साफ नजर आ रही है, तो कंपनी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। प्रकाश पाइप लिमिटेड, एज वेल एज अगर बात करते दूसरी कंपनी की, तो शक्ति पंप भी इसी तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर मानसून भी आ रहा है, तो इसका लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर रिजल्ट है, तो इसका फायदा इस चीज़ को, इस शेयर को मिलता हुआ नजर आएगा। एज वेल एज बात करें टोटल रेवेन्यू, तो ये इस बार के रिजल्ट, ये लास्ट Q3, ये Q4 के लास्ट ईयर के, तो 32,111 लैक्स रुपीज़, इससे पहले 31,000, इससे पहले 9,378, तो कंपनी ने ईयरली वाइज तो बहुत अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर लगभग 3.5 गुना यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाया, और क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर जंप है। एक्सपेंस की बात करते हैं, तो एक्सपेंस भी यहाँ पर अच्छे खासे, मतलब लास्ट ईयर जितने एक्सपेंस, लास्ट क्वार्टर जिस जो एक्सपेंस हुए थे, सेम एक्सपेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। सॉरी, अगर हम बात करते हैं 27,756 लैक्स रुपीज़ का अभी एक्सपेंस है, इससे पहले 27,535, इससे पहले 10,545 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस थे, तो एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आए हैं, बट क्वार्टरली वाइज अगर बात करें तो फ्लैट ही है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 3,049 लैक्स रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 2,653 था, इससे पहले माइनस में कंपनी चल रही है, मतलब ईयरली माइनस से कंपनी पॉजिटिव में आ गई है, एज वेल एज क्वार्टरली कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके
दिखाया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। ये शेयर भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है पर एज अ परफॉर्मेंस, बट एक बार इसके फंडामेंटल चेक किए बिना बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिएगा। बेसिक की बात करें EPS की 16.59 रुपये का, इससे पहले 14.44 रुपये का था, इससे पहले नेगेटिव में 3 रुपये का EPS था। तो EPS भी बढ़ता हुआ आपको ईयरली बेसिस पर नज़र आ रहा है और क्वार्टरली बेसिस पर भी। तो इसका इस कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा आज की डेट में देखे तो 10 अगर बात करें 10% का यहाँ पर जंप देखा गया था, क्योंकि एक कुछ तो स्पुतनिक वी से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नज़र आएगी, एज वेल एज अच्छे रिजल्ट भी पेश करे। टोटल इनकम की बात करें 9,349, इससे पहले 8,945, इससे पहले 6,814। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया अच्छा खासा। एक्सपेंस की बात करें कंपनी के एक्सपेंस में यहाँ पर कटौती कर दिया जो कि अच्छी बात है। क्वार्टरली बेसिस पे तो 5,860, इससे पहले 6,213, इससे पहले 4,119 मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर खर्चे भी होते हुए दिखाई दिए। तो अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है 2,604 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 2,041 था, इससे पहले 1947। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, तो इस वजह से आज की डेट में कंपनी का शेयर भागता हुआ भी नज़र आया। एज वेल एज एक बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले तो ऑब्वियसली आप बिना हिचके ओके गिरता है शेयर तो उठाइएगा, एज वेल एज बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके। बेसिक इन्फॉर्मेशन EPS की बात करें तो 15.93 रुपये का EPS इस बार का, इससे पहले 12.83 रुपये का, इससे पहले 12.57। तो EPS से आपको एक कंप्लीट पता चल जाएगा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती नज़र आ रही है। फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं, फेडरल बैंक के भी रिजल्ट आए थे कि फेडरल बैंक भी 3% यहाँ पर जंप करता हुआ नजर आया था। इलेक्स में रिजल्ट है अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, टोटल इनकम 3,83,171 लाख रुपीज़, से पहले 3,94,000, इससे पहले 4,10,000। तो कंपनी ने टोटल इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पर गिरता हुआ परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल अगर बात करें कंपनी का प्रॉफिट नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट इनकम की भी बात करें तो कंपनी के पास इंटरेस्ट भी यहाँ पर कम प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है, और मेन बिजनेस यही होता है इंटरेस्ट का। अगर इंटरेस्ट ही कम आ रहा है तो कंपनी ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही है इस चीज़ बैंक के केस में। अगर बात करते हैं एक्सपेंस की तो कंपनी के एक्सपेंस की बात करें थोड़ी सी कटौती यहाँ पर एक्सपेंस में हुई है, 2,94,662 लाख रुपीज़, से पहले 2,97,000 था, इससे पहले 3,14,000। तो कंपनी ने एक्सपेंस में कंट्रोल कर लिया जो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी देख सकते हैं 88,000 का है, इससे पहले 96,000, इससे पहले 95,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 47,781, इससे पहले 40,410, इससे पहले 30,123 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्वार्टरली और ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है। इसका रीजन क्या है तो इसका रीजन यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए। प्रोविजन की बात करें तो कंपनी ने इस बार का प्रोविजन ईयरली बेस की बात करें तो लगभग हाफ कर दिया है, क्वार्टरली बेस की बात करें तो लगभग हाफ करते हुए कंपनी नजर आई है। क्वार्टरली और ईयरली वाइज यहाँ पर प्रोविजन कम कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। बट आपको बताना चाहता हूँ कुछ ये ट्रैप भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस ने ना तो Q3 में प्रोविजनिंग दिखाई ज़्यादा ना Q2 में दिखाई, बट एक साथ ही उसने लाके प्रोविजनिंग रख दी, इस वजह से उनका शेयर गिरता हुआ नजर आया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मेन इनकम है वही कम होती हुई नजर आ रही है, तो इसके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। EPS से बढ़ता हुआ नजर आएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर शो किया है कंपनी ने, इस वजह से। तो बाकी यहाँ पर बात करें यहाँ पर परसेंटेज NPA, तो NPA भी यहाँ पर देख लीजिए। NPA नेट प्रॉफिट नेट NPA की बात करें तो यहाँ पर 1.19 है, इससे पहले 0.6 थे, इससे पहले 1.31 थे। तो यहाँ पर अगर बात करें नेट NPA ईयरली वाइज यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं, बट क्वार्टरली वाइज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रॉस NPA की बात करें तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा। ज़्यादा फेडरल बैंक को लास्ट की चॉइस रखना हमेशा, बाकी सबसे पहले बड़े बड़े बैंक को ही रखना, क्योंकि वो निकलना भी जानते हैं, उनके पास अकाउंट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। एज वेल एज इनलेक्स की बात करें यहाँ पर ये कंपनी का नाम है कोलपाल, कोलगेट से रिलेटेड आपको बताइए। इसके रिजल्ट भी अगर देखें तो यहाँ पर टोटल इनकम 1,88,981 लाख रुपीज़, से पहले 1,24,000, इससे पहले 1,09,000। तो कंपनी ने यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस की बात कर लेते तो एक्सपेंस 90,845, इससे पहले 90,877, तो इससे पहले 85,654। तो अगर बात करते हैं क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है एक्सपेंस में, और क्वार्टरली वाइज अगर बात करें तो फ्लैट ही है, थोड़ी बहुत कम है, बट ठीक है। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड
तो कोलपाल को अगर बात करें, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कोलगेट को, जिसको आप जानते भी है कोलगेट के नाम से, 31,466 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, इससे पहले 24,000, इससे पहले 20,000। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी का बेसिक EPS की, तो 11.57 रुपये का EPS है, इससे पहले 9.13 रुपये का था, इससे पहले 7.51 रुपये। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप कोलपाल में, तो देखिए आप लॉन्ग टर्म का व्यू खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब कोलगेट आया था तब उसके पास इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं थे। बट अगर बात करें अभी, कॉम्पिटिशन इसका बढ़ गया है, क्योंकि आपको डाबर कॉम्पिटिशन देता हुआ नजर आता है, यहाँ पर पतंजलि के टूथपेस्ट आपको नजर आते हैं, पेप्सोडेंट नजर आता है, ओके, और दूसरी बहुत सारी कंपनीज नजर आती है। बट कोलगेट पहले जितना अच्छा परफॉर्म करता था उतना अभी नहीं करता, बट स्टिल कंपनी प्रॉफिट में है। तो इस बार चीज को ध्यान में लेके आप इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। बाकी भारतीय एयरटेल की बात करें तो देखिए कंपनी का शेयर आज की डेट में गिरता हुआ नजर आया, पता ही नहीं क्यों गिरता हुआ, अच्छे कंपनी के रिजल्ट पेश करती है स्टिल गिरती हुई नजर आती है। इन मिलियंस की बात करें, मिलियंस में यहाँ पर है, टोटल इनकम की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 258,312 लाख रुपीज़, से पहले 265,000, इससे पहले 238,000। तो क्वार्टरली वाइज तो यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है थोड़ी सी, बट अगर बात करें ईयरली वाइज यहाँ पर जंप नज़र आ रही है। और क्वार्टरली वाइज गिरावट भी किस लिए नज़र आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन में, तो यहाँ पर गिरावट है ही है, बट अगर बात करें 400 लाख रुपीज़ का यहाँ पर लगभग अदर इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर कम बट ऑपरेशन की वजह से अगर इनफैक्ट बात करें तो ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर जो रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया। एक्सपेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हम देखते हैं तो 134,154, इससे पहले 144,000, इससे पहले 134,000। तो ये अगर बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली, अगर बात करते हैं क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर, तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस में कंपनी ने कंट्रोल किया है, जो कि अच्छी बात है, ओके, जो कि इफेक्ट इसका प्रॉफिट में ही पड़ेगा। और बाकी ईयरली वाइज लगभग फ्लैट ही है। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम बात करते हैं, ओके, यहाँ पर अगर देखते हैं तो 15,110 लाख रुपीज़, से पहले 13,501, इससे पहले कंपनी 49,770 लाख रुपीज़ का यहाँ पर नेगेटिव में चल रही थी। तो कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है, जो कि अच्छी बात है। और ये क्वार्टरली वाइज की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया, बट स्टिल आज की डेट में शेयर गिरता हुआ नजर आया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो यहाँ पर देखिए 1.39 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 1.57 रुपये का था, इससे पहले 9.70 रुपये के आसपास यहाँ पर ईपीएस था नेगेटिव में। तो कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एज वेल एज अगर बात करते हैं एक और कंपनी की, तो रिजल्ट तो 3i इन्फोटेक, ये भी एक कंपनी है, आईटी से रिलेटेड कंपनी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बट स्टिल इसके रिजल्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्फोटेक के मतलब इन्फो, मतलब कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन या फिर आईटी से रिलेटेड कंपनी नजर आती है। तो अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो 16,053, इससे पहले 15,973, इससे पहले 15,908। अगर बात करते हैं कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जंप नजर आई है इनकम में। एक्सपेंस की बात करते हैं तो 22,537, इससे पहले 16,000, इससे पहले 15,612, मतलब कंपनी ने एक्सपेंस मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वो वाला हिसाब हो गया, कंपनी की एक्सपेंस ज़्यादा नजर आया, तो कंपनी लॉस में यहाँ पर शायद नजर आएगी। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं, प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, केस एक मिनट दीजिए, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट होते हुए शायद नज़र आए, इस चीज़ को आप हमें देखना पड़ेगा, ओके, यहाँ पर आप देखिएगा एक बार एडजस्टमेंट यहाँ पर कुछ नज़र आए हैं, जिस वजह से कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर दिखा रही है। बट अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देखते हैं, ये बिफोर पीरियड प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर आप अगर हम देखते हैं तो 30,152 लाख रुपीज़ दिखा रहा है, इससे पहले 1542 नेगेटिव में था, इससे पहले 1603 नेगेटिव में था। तो यहाँ पर कुछ मतलब कुछ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 11th और 12th, यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये 11th और 12th दे रखा है, तो यहाँ पर टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड या कुछ एडजस्टमेंट हुए होंगे जिस वजह से कंपनी प्रॉफिट में नज़र आ रही है। वरना अगर हम ओवरऑल वैसे नॉर्मल देखते हैं तो टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम और एक्सपेंस अगर हम देखते हैं तो कंपनी को नेगेटिव में होना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हुए शायद, वो एक बार मैं लास्ट में देखूंगा, बट आप भी एक बार देख लीजिएगा तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा एक आइडिया। तो बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट में कंपनी ईपीएस भी देख सकते हैं, यहाँ पर
पहले नेगेटिव में चल रहा था, अब पॉजिटिव में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके रिजल्ट एक बार ब्रीफ में पढ़ने पड़ेंगे तभी हमें एक बार समझ में आएगा कंपनी का क्या एडजस्टमेंट हुए है। बट अगर हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, तो सन फार्मा यहाँ पर स्पार्क के नाम से जाना जाता है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। तो ये सन फार्मा की कंपनी नहीं है, ये डीमर्ज हो चुकी है बहुत टाइम पहले। तो यहाँ पर ये शेयर आज की डेट में गिरता हुआ भी नजर आया, बट कुछ दिन से काफ़ी भाग रहा था जस्ट बिकॉज यहाँ पर न्यूज़ थी और न्यूज़ के बेस पे या फिर छोटा शेयर था तो इस वजह से भागता हुआ नजर आ रहा था। बट इसकी रफ्तार में एक लगाम लग गई है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, यहाँ देखिए 2859, इससे पहले 2341, से पहले 2583। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा टोटल इनकम में जंप लिखाया। बट एक्सपेंस की बात करते हैं तो कंपनी की एक्सपेंस यहाँ पर देखिए, जितना एक्सपेंस नहीं इनकम नहीं है उससे ज़्यादा वही आमदनी 98, जो कि लास्ट टाइम मैंने बोला था। बट वहाँ पर एडजस्टमेंट था, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 8,511 लाख रुपीज़ का खर्चा, इससे 9,103, इससे पहले 12,557। तो खर्चा कम होता हुआ दिखाई दिया है। बट स्टिल अगर बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो कंपनी लॉस में यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉस फॉर द ईयर यहाँ पर देखिए 5,672 लाख का लॉस है, इससे पहले 6,762 लाख, से पहले 9,954। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली वाइज यहाँ पर लॉस करते हुए दिखाया है, जो कि आप यहाँ पर भी EPS में भी साफ झलकता है। परफॉर्मेंस ईयरली क्वार्टरली वाइज अच्छा नजर आ रहा है, बट फिर स्टिल यहाँ पर कंपनी नेगेटिव में है। और आज इनके मैनेजमेंट के किसी बंदे ने आई थिंक रिजाइन भी देते हुए नजर आया, तो इसका भी इफेक्ट इस पर पड़ा। तो यहाँ पर 3-4 कंपनी के रिजल्ट थे, सन फार्मा, 3i इन्फोटेक एज वेल एज 3i इन्फोटेक के रिजल्ट एक बार आप भी डेफिनेटली अलग से देखिएगा और मैं भी यहाँ पर देखूंगा। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बना के एक बार देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट हुआ है। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय एयरटेल के रिजल्ट अच्छे हैं, यहाँ पर बात करें कोलपाल के रिजल्ट अच्छे हैं, यहाँ पर फेडरल बैंक के रिजल्ट थोड़े मुझे तो ऐसा ही लगा, बट स्टिल आप देख लीजिएगा अच्छे रिजल्ट दिखाई है। ग्रैंड फार्मा के रिजल्ट अच्छे हैं, शक्ति पंप के रिजल्ट अच्छे हैं और प्रकाश पाइप के रिजल्ट अच्छे हैं। तो इन ये सभी कंपनी के रिजल्ट थे जिनसे रिलेटेड बातें करनी। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जितने भी अच्छे रिजल्ट आए हैं उनको आप कभी गिरते हुए नजर आते हैं तो इस तरीके से आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, वॉचलिस्ट में इन्हें ऐड करके रखिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और कौन से रिजल्ट आपको अच्छे लगे उसे आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।